उसमें जो समन्वय काम करेगा वो समाज के साथ, देश के साथ, दुनिया के साथ न्याय करेगा। जो आपने विस्तार से चर्चा की है वो लंबी लड़ाई, वो निरंतर चल रही है, लेकिन वो संगठित नहीं, असंगठित है। हमारे यहां कहावत है कि दशहरा जाता संविधान, बाबा साहब और संविधान बनाने वाले लोगों के बाद ये जो कहावत है उसकी सच्चाई है। जिस इलाके में ठीक राजा होगा, ठीक राज करने वाला होगा, उस इलाके की जनता सुखी होगी, उस इलाके की जनता सुकून होगी। हमारी आजादी का और कोई मतलब नहीं, इतनी कुर्बानी के बाद जो आजादी आई। एक साथी भगत सिंह के बारे में बता रहे थे, इस विषमता के बारे में एक बहुत उमदा बात उन्होंने कही थी, मुझको भी मालूम था। अपनी फांसी के पहले हिंदुस्तान की विषमता के लिए वो एक शूद्र से, शूद्र का मतलब है मोहल्ला, यानी उसका किस तरह से हजारों बरस हो गए, मन का, तन का, बुद्धि का, विवेक का, संपत्ति का, संपदा का, मान का, इज्जत का, नाम तक का गर्व है। मैं अपने गांव में रहता था तो मेरे साथ दलित लोग थे, दलित नौजवानों के साथ खेला, उस समय बचपन में तो याद नहीं रहता है कौन दलित थे कौन नहीं, तो नाम एक से एक जब मैं आज याद करता हूँ तो गोधा, घोड़िया, ये मेरे साथी थे, घोड़िया, गोधा, नाम तक, इज्जत और मान सम्मान की छोड़िए, नाम, नाम तक का कभी आंदोलन चला होगा कि भाई जो आती शूद रहे वो क्या नाम रखे, इससे अच्छा नाम नहीं रखना चाहिए। बड़ी दूर है इस देश में हम जाए, इसलिए लड़ाई जो है वो आपको जो है इकट्ठा किया, उसके पीछे भाव ये है कि देश बड़ा है। और अभी तात्कालिक तौर पर जो चुनौती है, याद रखना हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान के खास करके शूद्र, अति शूद्र, या जो मेहनत का सुनोगे उसके लिए बड़ी चीज, बड़ी चीज। हजारों 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 बरस पहले कभी 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 नहीं, पहली बार हिंदुस्तान का आपके हाथ में संविधान है। ये संविधान बनाया लोगों ने, जब मुल्क बट गया, 15 से 18 लाख आदमी हलाक हो गए, जान गए, करोड़ों लोग उधर से यहां आ गए, यहां से वहां चले गए, तब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को एक नजर से जरूर देखना चाहिए। वो कैसे लोग थे कि मुल्क बट गया, इतना बुरी तरह से बट गया कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा ये देश बट गया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में बटे, लेकिन जैसा हमारा देश बटा वैसा कभी ऐसा कई देश नहीं बटा। यानी समाज की अदला बदली हो गई। हाँ, पंजाब के साथी बैठे हैं, तो बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं हरियाणा को जानता हूँ, राजस्थान को जानता हूँ, इन इलाकों में मजहब और धर्म के नाम पर ऐसा आपस में इंसान एक दूसरे के साथ व्यवहार किया है कि मैं देखता हूँ, मैं अपने ससुराल जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो वहाँ मस्जिद है, उसमें पैसे बने हुए बड़े पैमाने पर मुस्लिम साथी थे, उधर में कई हिंदू थे, मुल्क में आबादी इधर से उधर। इसके बाद जो मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता हूं, इसके बाद
बड़ा गुनाह उनका पटना होगा, लेकिन उस गुनाह के बाद जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उस संविधान बनाने वाले लोग थे, उसमें हिंदुस्तान की आजादी लड़ने वाले लोगों ने संग्राम, फ्रीडम फाइटर ने, भारत है ये, हिंदुस्तान का भारत है। हाँ, भारत का ये नाम से दुनिया में बदल गया भारत। भारत को जो भारत है, जिस चीज पे आप राजी हैं, मैं वही कहता हूँ, जो भारत है उसके हिस्से हो, और हिस्से होने के बाद जो लोग थे आजादी की लड़ाई करने वाले, वो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, भाषा, भूषा, रीजन, रिलीजन, कास्ट, इतने अंतर्द्वंद्वों का दुनिया में कोई मुल्क नहीं, कोई मुल्क नहीं। तब हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में तीन नाम है, तीन नाम क्यों रखा जो संविधान, वो संविधान अंतर विरोधों से भरे हुए मुल्क में, और ये जो संविधान है, जिस आदमी ने बनाया उसकी वो किन लोग मिल रहे थे, वो हजारों बरस का जो विषमता, जात की विषमता, उसके लिए जो संग्राम कर रहे थे, वो खुद जीवन भर बहुत कोशिश किए कि हिंदुस्तान का यानी भारत का जो रोग है, बीमारी, वो विषमता है, जात, वो कोशिश किए कि हिंदू धर्म में सुधार किया, मंदिर में गए, हमारे पानी तक अलग अलग बढ़ता था, तालाब गए वहां पर, लेकिन जिस समय हिंदुस्तान की जिम्मेदारी लगी, जिम्मेदारी उनके हाथ में आई, तो जो संविधान उन्हें दिया है वो सबके लिए बनाया है, वो हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए बनाया, भारत के हर आदमी के लिए बनाया, जो भी इस ज्योग्राफी में रहता है, इस सारे संपूर्ण भारतीय कॉन्टिनेंट का। आज का जो सम्मेलन है, एक सवाल जो जनता हुआ, जिस पर बहुत लोगों ने विस्तार से चर्चा की, वो चर्चा जो है वो सदियों से चल रही है, अभी जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन ये भी नहीं है कि इस संविधान के बनने के बाद यहां सब लोग ये जान लेना कि बाबा साहब अम्बेडकर आज से संविधान बनता, और उन्होंने बड़ा सबक अपनी जिंदगी में दिया था, क्या दिया था, आपको एक बात पूछ रहा था, हिंदुस्तान में, भारत में जो सबसे बड़ा सवाल, जो विषमता का सवाल, उसमें उसके लिए क्या राह उन्हें दिखाई, क्या रास्ता दिखाया, लड़ाई लड़ते 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 इस धर्म में जो खराबी है, इंडियन कॉन्टिनेंट में जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसकी विषमता है, उसके खिलाफ संग्राम करते करते उन्होंने एक बात बड़ा सबक दे थे आपके हाथ में, उन्होंने महात्मा फुले को गुरु कहा, जो पिछड़ी जात के लोग बैठे हुए हैं, जब एक आदमी बोल रहे थे कोई प्रोफेसर साहब, तो किसी ने ठीक टोका था, मैं मानता हूं कि बोर्ड के लिहाज से
जो जाति है वो इतनी बिखरी हुई है, खंड खंड है, बात नहीं बन रही है। लेकिन जो बड़ा इशारा, बड़ी बात यह है कि बाबा साहब ने लगातार लगातार किसको गुरु कहा, महात्मा फुले को, और महात्मा फुले को गुरु कहा, इसका मतलब है कि शूद्र अति शूद्र, पिछड़े और दलित। तो ये बाबा साहब ने कहा।